मम्मी को थोड़ा आसान होगा ये सब बर्तन उर्तन साफ करने में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरी माँ तो पेशी में मैडम आप लोग का स्वागत करते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं अभी काड़ा उड़ा खोल रहे हैं दोस्तों, मम्मी जाएगी चराने तो हमको आधा दूर पहुंचाना होगा, क्योंकि काड़ा बहुत हम लोग का दौड़ता है दोस्तों खेती बाड़ी खाने के लिए। तो मम्मी बोल रही है कि खोल दो, उसके खोल रहे हैं दोस्तों। और मम्मी पीछे तरफ है और देख सकते हैं काड़ा लेके तालाब जा रहे हैं दोस्तों, तालाब में पानी पिलाएंगे काड़ा ही सबको दोस्तों। थोड़ा हमको तकलीफ होता है दोस्तों बोलो कैसा बनाने में, कहा कि स्टैंड उस्टैंड स्टैंड ये सब नहीं ना है दोस्तों, तो थोड़ा हाथ में दर्द देने लगता है ऐसा करके रखने से। और देख सकते हैं काड़ा भी हमारा नीचे उतर गए हैं तालाब में, पानी वानी पिलाएंगे, आधा धोरे ना दोस्तों खेती बाड़ी पूरा दौड़ने लगता है काड़ा ये सब खाने के लिए। दूसरा का खेती बाड़ी तो हम लोग को क्या बोलते हैं जुर्माना भरना पड़ता है दोस्तों ऐसा में काम हमें। और इसीलिए दोस्तों हाँ तो आधा दूर आ गए दोस्तों, अब घूरेंगे। घर में कुछ काम है काम अभी? हाँ और बर्तन, अच्छा मम्मी कुछ कुछ काम बोल रहे हैं, वो सब हमको करना है घर में। तो देख सकते हैं दोस्तों खाना वाना पूरा बांट लिए हैं, और देख सकते हैं मार भात है दोस्तों, पूरा अच्छा लगता है दोस्तों गर्मी के दिन में, शरीर में पेट में पूरा ठंडा रहता है मार भात खाने से। इसमें गर्मी के दिन खाने से बहुत अच्छा लगता है। अब खा रहे हैं इसको मिला के। इधर कढ़ू खोले हैं बछड़ा, और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी दिन के बाद हम लोग का जो है था नल में पानी आ रहा है, झरना सरकारी वाला जो नल है ना उसमें पानी आ रहा है। और देख सकते हैं दोस्तों इधर हम बैठे हुए हैं और कढ़ू ये सब देख रहे हैं, मुर्गी चेंगना ये सब। इधर घर है हम लोग का, और इधर हिमांशु आ रहा है, क्या करने आ रहा है? आओ क्या हुआ भैया, क्या क्या करने आ? मामा घर से आ गया ना, मामा घर से आ गया दोस्तों। ये जाओ मोबाइल किसका है? हाँ तो जाओ लेते जाओ, हाँ तो जाओ जल्दी आओ। दोस्तों बकरी पकड़ लिया घर ले गए हैं, बकरी बहुत दौड़ता चोरनी है दोस्तों, बकरी को फूट दिए हैं। पापा को मोबाइल है, अभी पढ़ाई करने जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं मुर्गी है दोस्तों, यूट्यूब से निकाल लिए हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते इधर हम थोड़ा छोटा भाई को अपना कुछ पढ़ा रहे दोस्तों, और फोन ही सब दे दिए इसी पापा का है फोन, तो यूट्यूब में निकाल देते हैं कभी कभी पढ़ते रहता है। और क्या क्या चीज पढ़ता है बाबू यूट्यूब से वीडियो में, क्या क्या चीज, और बोलता भी है, बोल के दिखाओ ना एक बार, कैसा कैसा वीडियो मंगाता है दिखाओ दिखाओ। ये मंगाता है दोस्तों अपने से बच्चा है ना, यूट्यूब में बोलता है पोयम ABCD जो होता है पढ़ने का लिख लिया। तो दोस्तों थोड़ा भाई को पढ़ा रहे हैं और इसको मोबाइल दे रहे हैं पढ़ने के लिए। पापा नहीं मांगेंगे अभी फोन, लिखा क ख ग घ अंग च छ ज झ पूरा लिखा, और ABCD भी लिखा है जेड तक। अरे क ख पूरा ज्ञान तक नहीं लिखा है, ओ हम बोल रहे थे कि इंग्लिश लिखो ABCD, तो इसीलिए क ख को पूरा छोड़ दिया, त थ द ध ध ग तक छोड़ दिया, अब लिखना है। तो लो पढ़ाई करो, हाँ अच्छा से पढ़ाई करो, हाँ इसको यूट्यूब निकाल के दे रहे हैं दोस्तों पढ़ेगा लो। और ट्यूशन कब जाएगा, शाम को? अभी मामा घर गया था कल शाम को, कब जाएगा ट्यूशन? ट्यूशन नहीं जा रहा है अभी, ठीक है तो हम घर का काम करने जा रहे हैं, यूट्यूब से देखते जा रहा और पढ़ाई करते जा रहा, और उधर हम काम करेंगे जाएंगे अब थोड़ा घर में, ये पढ़ते जाएगा ठीक है, पढ़ो अच्छा सा, हम जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं सब खाना वाना खाए थे, तो सोच रहे मांस देंगे उसके बाद मुर्गी चंगना घुसाएंगे, पानी है थोड़ा ऊपर पानी है, जाएंगे दोस्तों सफा करेंगे इसको, मम्मी को थोड़ा आसान होगा ये सब बर्तन उर्तन साफ करने में, जूठा है हो गया दोस्तों साफ, अब मुर्गी घुसाएंगे घर। हाँ खुश खुश
छोटा छोटा बच्चा है, सब सियार कुकुर खा देता। जाओ 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 उधर रहो ए लक्ष्मी। अच्छा सब अंदर कर दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मम्मी आई है और थोड़ा सा हम आग जलाए थे तो उतना हम रिंधने नहीं जानते हैं कम, और इसीलिए मम्मी बोलती है कि हम नहीं सकेंगे खाना वाना बनाने, तो हमको उतना नहीं आता है दोस्तों खाना बनाना, क्योंकि जब हम बाहर में काम करते थे तो गैस में बनाते थे, पर चूल्हा ही सबसे नहीं हमसे होता है और हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता है दोस्तों खाना बनाने में कम, और मम्मी ही बना रही है खाना। तो दोस्तों हम लोग को क्या बोलते हैं मम्मी को काफ़ी दिक्कत होता है दोस्तों खाना बनाने में। खाना बना भी दिया कर ले, ब्याह करने से पैसा रहेगा तब ना। वैसे वैसे थोड़ी ना होता शादी। मम्मी बोल रही, मम्मी बोल रही कि शादी कर लीजिए कहाँ तो तकलीफ होता है दोस्तों, और मम्मी का जो दुख होता है हमसे देखा नहीं जाता, ताकि जो मम्मी तकलीफ उठा रही है वो हम ही जान रहे हैं। सबसे घर में जितना है ना दोस्तों मम्मी पापा हम, सबसे अधिक तकलीफ माँ को ही हो रहा है। कम सुबह देखे आप लोग मम्मी गोरखी गई बकरी लेके कड़ा लेके, फिर आई और फिर खाना बना रही है, फिर जो सुबह होगा बर्तन वर्तन सब मम्मी ही करेगी, पापा का भी कपड़ा उपड़ा मम्मी ही सब साफ करती है, फिर जो होता है सुबह गोहाली सब होता है दोस्तों हम लोग का, जो जहाँ पर कड़ा भी रहते हैं रात में ये सब भी साफ करना मम्मी ही को पड़ता है, और सुबह भी खाना मम्मी ही बनाएगी, फिर सुबह बारी का काम भी मम्मी ही करेगी। 99% दोस्तों जो हम लोग काम होता है ना 99% माँ करती है काम, उसके बाद पापा करते हैं, और हर बेटा चाहता है कि अपना माँ बाप को खुश रखे काम। हम भी चाहते हैं दोस्तों कि हम अपना माँ बाप को इतना तकलीफ नहीं देखने सकते हैं, लेकिन क्या बोले मजबूरी में ना हम कुछ कर पाते हैं ना कुछ नहीं हमसे हो पाता। कम से कम मेरे लिए नहीं तो कम से कम मम्मी के लिए लाइक कर दीजिएगा और मम्मी को सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा बहुत सपना है दोस्तों कि मम्मी और पापा को खुशहाल देखेंगे, और यही उम्मीद आप लोग से लगाए हैं। तो आज का वीडियो कहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, खाना वाना खा के सोने चलें आप, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय।